हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाराचार आपका स्वागत करती हूँ सीएस स्टडी पॉइंट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं MySQL। अब मैंने पहली जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था DBMS मीनिंग क्या होता है, DBS में जैसे आपकी प्राइमरी की क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होती हैं, ठीक है, आपको कैसे एक जब एक रो के अंदर आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है किसी इंडिविजुअली पर्सन का। अब हम आज जानने करने वाले हैं जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ MySQL। अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपके पास स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो कंटेंट है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो MySQL है वो एक ओपन सोर्स है। क्या है? एक ओपन सोर्स है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और जो स्ट्रक्चर क्वेरी दैट यूज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इट इज, आपको डाउनलोड कर सकते हो, आपको साइट दी हुई है, यू कैन ईजिली एन एक्सेस इन दिस साइट इज SQL MySQL इन योर PC, ठीक है। MySQL जो डाटाबेस इंफॉर्मेशन टेबल है वो किस में फॉर्म में करता है, टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है। मैनी टेबल्स के अंदर इसमें क्या है, थाउजेंड ऑफ, क्या कर सकते हो आप, स्टोर थाउजेंड इंडिविजुअली रिकॉर्ड, क्या करते हो, एक इंडिविजुअली मतलब पर पर्सन के हिसाब से, जैसे एक पर्सन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सेकेंड है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आप ऐसे इंडिविजुअली थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअली रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसका, ये क्या करते हैं, इसके जो फीचर्स हमारे डाटा को एसेस करने में या मेंटेन करने में, ये फास्ट है, रिलायबल है, इसका स्केल है, जो वो अल्टरनेटिव है, जो यहाँ पे कमर्शियली जो RDBMS है अवेलेबल करते हैं टुडे। अब जैसे आप किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बैलेंस शीट तैयार होती है, तो मोस्टली वो किस में होती है, आपकी SQL में होती है। जैसे आप बैंकिंग एरिया में भी चले जाते हो, जो आपकी बैलेंस शीट तैयार होगी वो कहाँ होगी, आपके डाटाबेस में, और वो SQL के साथ होगी अगर हमें किसी लिमिटेड पर्सन का रिकॉर्ड चाहिए तो। अब किसी इंसान ने, एक इंसान ने अपना अकाउंट खोल रखा है बैंक के अंदर, ठीक है, बैंक के अंदर उसी ने क्या कर रखा है, उस बंदे ने लोन भी ले रखा है, तो वहाँ पे जब रिकॉर्ड फिल कर रहे हो ना, तो वहाँ पे लिख ले लेंगे यहाँ पे लोन, तो वहाँ पे जब लोन का हमें डाटा चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, हम जो हमारी फॉरेन की हो गई ना, तो वहाँ पे उस चीज़ को हमें एसेस कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कंप्लीट टेबल की ज़रूरत ना पड़ के, हमें बस वहाँ पे फॉरेन की से अवेलेबल हो जाएगा लिमिटेड डाटा। इतनी बात समझ में आई, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है कि जो SQL है वो किसने क्रिएट की थी, स्पोर्टेड क्या था, और ये जो कंपनी थी वो स्वीडन की थी, और ये कब की थी, जो स्पोर्डनरी थी सन माइक्रो सिस्टम थी, और ये क्या था, इसका कॉपीराइट टू मोस्ट इन द कोड बेस था, इसका जो कोड बेस काम करती थी, ठीक है। 20 अप्रैल 2009 में जो ओरेकल कॉरपोरेशन थी उसके जो डेवलपर्स थे, तो सेल इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ओरेकल डाटाबेस में अनाउंस कर दिया गया था ए डील टू ऑक्यूपाई सन माइक्रो सिस्टम्स के, कि हमने जो अनाउंस किया था उसके साथ डील कर ली थी कि एक्वायर कर लिया है सन माइक्रो सिस्टम को। तो यहाँ पे आप इसको रीड करो कि ये किसके नाम के थ्रू है, ये आप देखो, आपको करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम MySQL डाटाबेस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस पे काम करता है, इसका काम क्या है, डाटा को मतलब जो सॉल्विंग प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो सर्वर पर जो की आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मैनेज करना। और यहाँ पे क्या करता है, मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, मतलब कि नंबर ऑफ यूज़र, कहीं से लार्ज ऑफ अमाउंट जो डाटा होता है वहाँ पे एसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एसेस तो कर रहे हैं, डाटाबेस सर्वर मस्ट आल्सो बी द प्रीवियंट अनऑथोराइज, जो अनऑथोराइज पर्सन है, मतलब कि अब जैसे मैं फ़ोन चला रही हूँ, अपने फ़ोन पे हम पासवर्ड लगा के चलते हैं या कोई पिन कोड लगाते हैं, मतलब उसको दूसरा कोई अनऑथोराइज पर्सन एसेस ना कर पाए, तो वहाँ पे वो एफिशिएंटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है MySQL। MySQL क्या है, अब ये कम्बिनेशन ऑफ MySQL सर्वर इंस्टांस एंड द MySQL डाटाबेस के थ्रू, डाटाबेस क्या है, जहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, और वो रन क्या करता है, मशीनी कंटेंट को,
कंटेन करता है, और ये क्या करता है, क्लाइंट कनेक्ट टू द सर्वर नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। जब नंबर ऑफ क्लाइंट क्या है, जैसे ये क्या है, एक का सर्वर है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट है, वो क्या है, सर्वर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे हर क्लाइंट का इंफॉर्मेशन जो डाटा है या उन्होंने जो इस पे सेट किया है या उसको फैच करना है जो भी डाटा है, तो उसको रिकॉर्ड को वो मेंटेन रखता है, ठीक है, यहाँ पे MySQL डाटाबेस। अब क्या है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, जो ऑपरेटिंग यूजली जो लिनक्स है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया टिपिक, तो डेलबिन लिनक्स हो गया, विद इन द अदर क्लाइंट सर्वर प्लेटफॉर्म भी हैं आपके पास, जो मल्टीपल मल्टी यूजर डाटाबेस सिस्टम मीनिंग टू वे सर्वर यूजर कैन एसेस द डाटाबेस इन द सिमिलेटली, क्यों वो क्या करते हैं, एसेस करते हैं। अब क्या है कि डाटाबेस सर्वर पर, जैसे द सर्वर क्या है, जहाँ पे लिसनिंग ऑफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट कमिंग इन द सर्वर नेटवर्क एंड द एसेस एंड डाटाबेस कंटेंट अकॉर्डिंग टू द दोज एंड रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड दैट टू द क्लाइंट, जो वहाँ पे क्या करता है, क्लाइंट को प्रोवाइड कर, जब रिक्वेस्ट की डाटाबेस सर्वर पर, तो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट पूछी है, जो पा किया, तो उसको कंटेंट देना, ठीक है। अब क्लाइंट क्या है आपके पास, क्लाइंट क्या करता है, आर प्रोग्राम द दैट द कनेक्ट टू द डाटाबेस सर्वर इश्यूज क्वेरी इन ए प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो उनकी होगी ना प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है क्लाइंट सर्वर मैनी में एंड द कंटेंट द सर्वर सर्वर एंड द प्रोग्रामेटिकली एंड द मीनिंग ए प्रोग्राम, यहाँ पे क्या करता है, मीनिंग ए प्रोग्राम कॉल द सर्वर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मतलब कि ये जो प्रोग्राम सेल है वो क्या है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मतलब जब कंप्लीट हम काम करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, और मैनुअली, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इशूइंग एंड द कमांड ओवर ए सेशन, जो कमांड होगी, क्या होगी, कमांड होगी सेशन एसक्यूएल सर्वर पर, यू आर इशूइंग द रिक्वेस्ट, जो इशू आया रिक्वेस्ट का टू द सर्वर एंड टाइपिंग कमांड, तो वहाँ पे हम उसको प्रमोट करके वहाँ पे मैनुअली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एसक्यूएल में एक फीचर्स है कि हम उसको रन कर सकते हैं। अब बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं उसके जो फीचर्स हैं कि वो क्या है, हम फीचर्स तो पहले ही बता चुके हैं, वो वेरी फास्ट है, हार्डवेयर ऑप्टिमल है, ठीक है, डिमांडिंग एप्लीकेशन है, क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर क्या है कि आपके छोटे छोटे सर्वर जो बना के चलते हैं, जो आपके एरिया वाइज सर्वर होते हैं, जैसे आप टोपोल आपने जो ये पढ़ी लैन वैन, जो आपकी टेक्निक सी, तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे तो लैन के थ्रू आप एरिया डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो क्लस्टर छोटे छोटे आपके पार्ट्स बना दिए जाते हैं। इजी टू यूज़ या एसक्यूएल को हाई परफॉर्मेंस है, रिलेटिवली सिंपल डाटाबेस है, और वह क्या करती है, मॉनिटर्ड करती है मैनेज करने का, या कमांड लाइन होंगी तो ग्राफिकली यूज़र आर आल्सो भी अवेलेबल कराती है, क्या कराती है, इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, easy to use, मतलब easy of use है इसका। cost क्या है, MySQL is available free of cost है, आपको पहले ही बताया हुआ है, वहाँ पे साइट दी हुई थी कि ये ओपन सोर्स है, आप वैसे भी ले सक इसको एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। लिनक्स पैच ये MySQL PHP Perl Python इन्वायरमेंट में क्या करती है, वर्क करती है। फास्ट ग्रोइंग है, इंटरप्राइजेज जो स्टॉक बेयर्स के लिए है, कंपनी इज यूजिंग द LAMP अल्टरनेटिव एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर स्टैक बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट रिलायबिलिटी एंड द डॉक्यूमेंटेशन। ये बात आई आपको समझ में बच्चों, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, और जितना हो सके इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे सेंड करो, ठीक है, जिससे उसका सारे टॉपिक कवर हो जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो क्वेरी लैंग्वेज क्या है, क्वेरी लैंग्वेज जो सपोर्ट करती है वो किसको करती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को। पोर्टेबिलिटी है कि आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। मल्टी थ्रेड्स है, कर्नल यूजिंग कर्नल जो थ्रेड्स होते हैं उनको यूज़ करती है, मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डाटा टाइप क्या है आपके, यहाँ पे फिक्स डाटा टाइप की लेंथ होती है, जो वेरिएबल लेंथ है उसकी रेंज यहाँ पे फिक्स है।
सिक्योरिटी है, यहाँ पे आप हाई अलाउ करते हो होस्ट बेस्ड वेरिफिकेशन, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, पासवर्ड ट्रैफिक इनक्रिप्टेड हो सकता है, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स, यहाँ पे आपके क्या है आपकी स्केलेबिलिटी दी है कि आप रियल लाइफ में MySQL में कंटेन कर सकते हो 50 मिलियन रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हो, बस इसकी लिमिट्स क्या है कि आपके पास 16,000 टेबल्स हो सकती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है इसको मेंशन किया हुआ है, कनेक्टिविटी है क्लाइंट और कनेक्ट टू द MySQL किससे, सेवरल प्रोटोकॉल से कनेक्ट करता है। लोकलाइजेशन क्या है, ये एरर मैसेज तो उसी एरिया में जिस एरिया में आप वर्क कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मैसेज ट्रांसफ़र करेगा। बच्चों जैसे आप एग्जांपल लो कि आप कहीं दूसरे एरिया में चले गए हो हरियाणा को छोड़ के, तो अदर स्टेट में गए हो तो आप जा रहे जैसे महाराष्ट्र में गए होते हो तो मार्शियल लैंग्वेज में आपको जब हम कॉल करेंगे तो मार्शियल लैंग्वेज में आपको मैसेज सुनाई देगा, तो वहाँ पे ये क्या है लोकलाइजेशन है। क्लाइंट एंड टूल, MySQL क्या है क्लाइंट यूटिलिटी प्रोग्राम है और ये क्या करता है बहुत कमांड लाइन प्रोग्राम्स को जैसे MySQL डंप एंड MySQL एडमिन जो ग्राफिकली प्रोग्राम है, MySQL एडमिनिस्ट्रेटर एंड MySQL क्वेरी ब्राउज़र है, सर्वर हैज़ बिल्ड इन सपोर्ट करते हैं किसको SQL स्टेटमेंट को, चेक करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती हैं। अब क्या कहता है कि जब आपने MySQL क्या किया स्टार्ट किया, आप कैसे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में MySQL है या नहीं है, तो उस विंडो के प्लेटफॉर्म पे आप जाके देखोगे, श्योर करोगे ना कि MySQL है या नहीं है, मेरी मशीन में इंस्टॉल है या नहीं, तो आप क्या करोगे स्टार्ट बटन पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम पे, MySQL पे, MySQL सर्वर है और यहाँ पे कमांड लाइन क्लाइंट है, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे जब आप MySQL स्टार्ट कर लेते हो क्लाइंट दैट है स्पेसिफाई पासवर्ड, हम क्या करेंगे वहाँ पे पासवर्ड करेंगे, जब बच्चे इसको आप करोगे जब करोगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना सीखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे देखो आपके पास MySQL थ्रू द योर वर्क, जब आप वर्क करते हो यू कैन क्विट फ्रॉम MySQL टाइपिंग क्विट, तो जब आप क्विट करना चाहते हो तो क्या करोगे MySQL क्विट आप वहाँ पे टाइप करोगे और अपनी स्क्रीन से लेफ्ट कर जाओगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, आई होप सो आपको कंटेंट समझ आया होगा, अगर कुछ रह जाता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।